अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे कीमा मटर आलू। तो ये मैंने कीमा लिया है, मटन कीमा है ये, आधा किलो है। मैंने इसको पानी में भिगोया हुआ था पिछले 15 मिनट से, फिर मैंने इसका पानी निकाल दिया है सारा, इसको छन्नी में रख के। और ये मैंने दो मीडियम साइज के आलू लिए हैं, इनको मैंने कट कर लिया है। आधा कप मैंने मटर ली है, फ्रेश कच्चा मटर। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसको मैंने कट कर लिया है। हरी मिर्चें ली है मैंने 4 से 5, इनको मैंने कट कर लिया है। ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने 3 टेबल स्पून लिया है दही, आप चाहे तो डालें, आप चाहे तो ना डालें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इनको मैंने कट कर लिया है। और ये मैंने कुछ पाउडर मसाले लिए हैं, 1 टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है कुटा हुआ धनिया, आधा टीस्पून मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर, मिर्चे और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए आप। तो चलिए बनाना। सबसे पहले मैंने गैस पे रख लिया है कुकर और मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। मैंने इसमें यहाँ पे 1/3 कप ऑयल का डाला है, आप अपनी पसंद से डाल लें। तो सबसे पहले हम इसमें प्याज को डाल देते हैं क्योंकि हमारा ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है। ये प्याज डाल दी है मैंने, इसको हमें इसे फ्राई करना है हल्का गुलाबी होने तक। तो हम इसको ऐसे चलाएंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। तो हमारी प्याज हल्की सी सुनहरी हो गई है, अब हम यहाँ पे कीमा डाल देते हैं। ये देखिए कीमा डाल दिया है मैंने, मिला लेंगे इसको अच्छे से। तो मैंने कीमे को अच्छे से मिला लिया है, अब हम यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे जो मैंने आपको दिखाया था, ये डाल दिया है मैंने। और यहीं पे डाल देते हैं हम दही, हम इन दोनों को साथ साथ भूनेंगे। भूनने के बाद फिर मसाले डालेंगे हम इसमें, पाउडर मसाले। तो इनको अच्छे से मिला लेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही भूनेंगे हम इनको। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है तो भून लेते हैं। हमारे कीमे में दही और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से भून गया है, ये देखिए। अब हम यहाँ पे सारे पाउडर मसाले डाल देते हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, ये डाल दिए हैं मैंने। और यहीं पे डाल देंगे हम टमाटर, यहीं पे हम मटर भी डाल देंगे और यहीं पे आलू भी डाल देंगे। ये देखिए इन सबको अब हम मिला लेंगे अच्छे से और यहीं पे हम पानी डालेंगे। इसको अच्छे से मिलाने के बाद पानी डाल देते हैं, मैं यहाँ पे डालूँगी 1/2 कप पानी। तो ये मैंने 1/2 कप पानी का डाल दिया है, मैंने इन सबको अच्छे से मिला लिया है, ये देखिए। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और 1 सीटी आ जाने देंगे मीडियम फ्लेम पर। तो हमारे कुकर में 1 सीटी आने के बाद मैंने कुकर का ढक्कन खोल लिया है, ये देखिए। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 टीस्पून गरम मसाला और यहीं पे डाल देंगे हम हरा धनिया, ये मैंने कट करके रखा हुआ है। और यहीं पे हरी मिर्च डाल देंगे। ये सब डालने के बाद अब हम इनको अच्छे से मिला लेंगे और हमारा कीमा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो लीजिए एकदम बेहतरीन, सिंपल, इजी हमारे कीमा आलू मटर की सब्जी बनके हो गई है तैयार। बेहतरीन बनी है, बहुत ही अच्छी है और इसको बनाना कितना आसान है ये तो आपने देख ही लिया है। तो आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।